हेलो गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल कैजुअल गेमिंग की एक बिल्कुल नई वीडियो में। आज की वीडियो में गाइस फ्री फायर के आने वाले बिल्कुल नए मिस्टीरियस OB28 अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। फ्री फायर किससे कोलैब करने वाला है, नया कैरेक्टर, नई इवोल्यूशन गन, नया इनक्यूबेटर और गाइस नए नए इवेंट्स के बारे में आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसके साथ गाइस एक न्यूज़ और है, जो गेम प्ले वाले चैनल के लोग हैं ना, जो छोटे छोटे गेम प्ले वाले चैनल जिन लोगों ने बना रखे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी वाली न्यूज़ है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और वो न्यूज़ से ना बना होता मत जाना। साथ में गाइस जो हमारे अपडेट की ऑडियंस है, भले स्पीड बढ़ा लो लेकिन स्किप मत किया करो, वीडियो को पूरा देखना, लाइक मार देना। लाइक टारगेट रहेगा गाइस 15,000 लाइक्स का, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने में क्या शर्म है भाई, सब्सक्राइब कर दो गाइस जाके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना वरना नोटिफिकेशन आएगा नहीं और बंटा धार हो जाएगा भाई चैनल का। और गाइस ये तो बार बार बोलने की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो, और नहीं भी हो तो शेयर कर देना अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइज एक छोटे से इंट्रो के बाद। सबसे पहले गाइस आने वाले नए वेब इवेंट्स की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दो जो हमारे गेम प्ले वाले ऑडियंस है गाइस, उनके लिए एक बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है। आपको कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख लेना है। B2YT को तो जानते होंगे आप लोग, B2YT के गाइस वो वीडियो है, और B2YT और मैंने एक डिसीजन लिया है कि हम लोग यार किसी एक बंदे का जो सबसे टैलेंटेड होगा इन हज़ारों बंदों में से जो कि हमें अभी मेंशन करने वाले हैं, उनमें से गाइस किसी एक बंदे का बहुत अच्छा वाला प्रमोशन करने वाले हैं। उसको पूरी हेल्प करेंगे, भले वो गेम प्ले को लेके हो गया, भले वो हो गया उसके चैनल को लेके, भले वो हो गया उसके गेम के अंदर की किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, बहुत अच्छी वाली हेल्प करने वाले हैं। बस वो बंदा यार पूरा डिजर्विंग होना चाहिए, इसलिए हम लोग सभी से ये अपील कर रहे हैं कि वो लोग हमें मेंशन करें। कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आपको B2YT के वीडियो में पता चल जाएगा। और जो भी इसका विनर रहता है, जो भी सबसे डिजर्विंग रहता है, उसको हम लोग प्रमोट करने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से प्रमोट करेंगे। तो भाई जाके देख लेना इस वीडियो को, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी कोई नहीं है, आप अभी करो, आप कल करो, परसों करो, जो डिजर्विंग होगा उसी को मिलने वाला है। तो जल्दी मचाने का कोई भी फायदा नहीं है, आराम से प्यार से बिल्कुल अच्छे से देख के वीडियो को पूरा फायदा उठाना है। बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, शायद ही आपको पहले कभी मिला होगा गाइस। तो अब बता देते हैं आपको सबसे पहले हमारे आने वाले नए वेब इवेंट्स के बारे में। ये जो पहला इवेंट आप देख रहे हो गाइस, ये हैकर स्टोर है। हैकर स्टोर हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है, फ्री एक्सेस में नाइट लाउन को मिला है, लेकिन अभी 100% कन्फर्म नहीं है इसकी डेट, ठीक है। इसका आना जरूर कन्फर्म हम मान सकते हैं, पर इसकी डेट अभी कन्फर्म नहीं है। फ्री हैकर स्टोर हमें देखने को मिलने वाला है, अभी मिल सकता है, हो सकता है कि एक महीने बाद भी मिल जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्री एक्सेस में बहुत जल्दी चीज़ें निकल आती हैं। तो इसीलिए गाइस हैकर स्टोर का आना तो कंफर्म है, लेकिन इसके डेट अभी कंफर्म नहीं हुई। कंफर्म होते ही मैं आपको बता दूंगा, या आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, क्योंकि फ्री फायर वाले आजकल थोड़ा जल्दी पोस्ट कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे। दूसरा गाइस जो हमारा अपडेट आने वाला है, वो है हमारा टॉपअप इवेंट का, जो कि 25 को आपको देखने को मिलने वाला है, 25 ऑफ मई, जहाँ पे गाइस आपको ये मुनी पेट मिलने वाला है टॉपअप पे, और इसके साथ आपको ब्लूप्रिंट भी मिलने वाला है जो हमारा प्रेजेंट इनक्यूबेटर चल रहा है उसका, और गाइस के साथ मुनी पेट की एक स्किन भी मिलने वाली है आपको। तो काफ़ी कुछ है गाइस आने वाले नए इवेंट्स में, इसमें हैकर स्टोर और टॉपअप इवेंट का तो मैंने आपको कंफर्म बता दिया। इसके बाद गाइस ये जो इवेंट आप देख रहे हो, इसी का मैंने आपको एक फोटो दिखाया था, इसमें आपको M1887 की हैंड्स ऑफ होप की जो स्किन थी वो दिखाई थी कि ये इस इवेंट में आ सकती है, लेकिन चांसेस कम थी। और गाइस उसकी जगह अब ये वेक्टर को दे दिया गया इस इवेंट में, मतलब कि वो जो हमारे हैंड्स ऑफ होप की M1887 है, वो अभी हमें रिसेंटली देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी इस गन का जब तक इवेंट चल रहा है उस इवेंट को ये लोग नहीं देने वाले। और मैंने आपको बताया था अगर वो इस इवेंट में नहीं आती तो आएगी वो लूडो इवेंट में या फिर किसी शफल टाइप के इवेंट में आएगी। तो अभी गाइस मान के चलो कि वो आपको देखने को नहीं मिलने वाली है 1 से 2 हफ्ते तक, क्योंकि रमजान का इवेंट ऑलरेडी निकल चुका है। लेकिन हाँ, वर्ल्ड सीरीज ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली, 29 और 30 तक ही चलेगी, तो आपको गाइस काफी जल्द वो देखने को मिल जाएगा। 30 के बाद गाइस 1 तारीख से लेकर आपको 5 तारीख या 7 तारीख के बीच में, यानी 1 से लेकर 7 जून के बीच में आपको उसका इवेंट नजर आ जाना चाहिए। वो गाइस शफल इवेंट में भी आ सकता है, वो आ सकता है हमारे लूडो इवेंट में भी, और हो सकता है ये लोग कुछ अलग टाइप का वेब इवेंट भी ला दें, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके चांसेस कम मान लो M1887 के इवेंट की, क्योंकि गाइस अभी वेक्टर का ये इवेंट चल रहा है और लोग ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे गाइस, और ना ही कोई और चाहेगा कि एक साथ दो दो या तीन तीन गन का कोई इवेंट आए। मतलब कि यार लोग चाहते हैं कि वो हर एक गन को निकाले, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी पैसा खर्च करना कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, ना ही गरेना अपना लॉस चाहेगा, क्योंकि उन्हें चाहिए कि लोग हर चीज़ को निकालने का
ट्राई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसलिए आप भी, आपको वो देखने को नहीं मिलने वाली, जो मैंने डेट बताई है उसके हिसाब से वो आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये वेक्टर की स्किन भी काफ़ी अच्छी है, अगर निकाल सको तो ज़रूर निकाल लेना, लेकिन ज़्यादा डायमंड खर्च करने की और किडनी बेच के डायमंड खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। फिर एक किडनी, फिर एक आंख, ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पढ़ लो यार, इसलिए कहता हूँ पढ़ लो, ये सब करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। मजाक से हट के गाइस, अब जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये हमारा नया एडवांस सर्वर का एक बैनर है, बाहर के सर्वर का यहाँ का नहीं, आपको दिख ही रहा होगा। और ये आई थिंक इंडोनेशियन सर्वर का है, जहाँ तक लैंग्वेजेस की दिख रही है। इसमें कहते आपको एक पेट का शेडो दिख रहा होगा, ये हमारी डक है एक। इसमें कहीं बताया जा रहा था कि हमारा जो नया पेट आने वाला है वो एक हॉर्स होने वाला है, पर अभी इस शेडो से लग रहा है कि एक डक है। और शेडो से क्या लग रहा है भाई, ऑलमोस्ट सभी को पता चल ही गया होगा कि एक डक है। अब इसकी असली जो इमेज है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी आ ही नहीं है यार, और मैं आपको कोई गलत या एडिटेड न्यूज़ नहीं देने वाला। तो ये एक ऑफिशियल बैनर है और यही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक डक हमारा नया पेट होने वाला है। इसके बाद जो हमारा नया कैरेक्टर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गाइस हमारा नया कैरेक्टर होने वाला है, इसका नाम होने वाला है DB। ये एक फ्री फायर से कोलैब करके आएगा या फिर फ्री फायर वालों ने खुद डिजाइन करके इसको गेम के अंदर लाया, ये आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा। अभी तक DB नाम का कोई भी मुझे यार असली बंदा तो नहीं दिखा, ना मैंने सर्च किया है। एक बार सर्च करके, रिसर्च मार के थोड़ा बहुत इस पर आपको जरूर बता दूंगा, लेकिन अभी आप इसकी फोटो देख लो अपने सामने, ये हमारा आने वाला नया कैरेक्टर DB होने वाला है। इसकी एबिलिटी हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। इसके बाद हमारा एक और नया वेपन आ रहा है, जैसे ग्रेनेड और ग्लू वॉल होता है, आप राइट में देख रहे होगे यहाँ पे एक फ्लैश ग्रेनेड जैसे ही टाइप का एक ग्रेनेड है। अब ये क्या काम करने वाला है ये भी हमें आने वाला अपडेट में ही पता चलने वाला है। नया वेपन नीचे आप देख रहे होगे गाइस, एक जो हमारा नया वेपन है वो हमारा एक असॉल्ट राइफल टाइप का आपको दिख रहा होगा, तो उसके बारे में अभी कोई भी न्यूज़ हमें नहीं मिली है। लेकिन जो राइट में आप वेपन देख रहे हो वो हमारा नया यूजी वेपन होने वाला है। यूजी आपने देखा होगा सैन एंड्रियास में, GTA में होती है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की बात कर रहा हूँ मैं, और PUBG में भी आपने यूजी वेपन को देखा होगा। एक मिड रेंज वेपन है और सेमी ऑटोमेटिक वेपन है, ये SMG से चलता है, तो काफ़ी खतरनाक है हमारा ये यूजी वेपन होने वाला है मीडियम रेंज के लिए। इसका रेट ऑफ फायर काफ़ी तगड़ा होता है और असलियत में भी ये 200 गोलियां पर सेकेंड चला सकती है, मतलब पर मिनट चला सकती है सॉरी, तो काफ़ी खतरनाक गन है यार। और ये हमारी मीडियम रेंज की SMG की एक बिल्कुल नई वेपन के तौर पर हमें गेम के अंदर देखने को मिलेगी। इस अपडेट के बाद देखने को मिलती है, यानी OB28 अपडेट में या फिर OB29 अपडेट में। ये तो हमें पता तभी चल पाएगा जब फ्री फायर वाले, ग्रेना वाले जो इंडिया के हैं वो अपना ऑफिशियल एक पूरा लिस्ट निकालेंगे कि क्या क्या हमें नए अपडेट में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आप सभी को मालूम है एडवांस सर्वर में जो हर चीज़ आती है, ज़रूरी नहीं कि अगले ही अपडेट में आ जाए, उसको टाइम लगता है आने में, धीरे धीरे करके आता है, इसीलिए ये सब चीज़ें आ रही हैं, पर ये एडवांस सर्वर का एक पार्ट है। OB28 में ये सब चीज़ रहेंगी कि नहीं, इसके अभी 100% गारंटी नहीं है, लेकिन आएंगी ज़रूर गेम के अंदर, इतना ज़रूर मैं कन्फर्म बता सकता हूँ। आने वाले टाइम में फ्री फायर के अंदर दो नई बड़ी कोलैबोरेशंस देखने को मिलने वाले हैं। इसमें से पहली कोलैबोरेशन होने वाली है फ्री फायर और मैकलरन की। मैकलरन गाइस एक स्पोर्ट्स कार की कंपनी है, जो स्पोर्ट्स कार ऑफ कोर्स डिज़ाइन करेगी। और गाइस आप देख सकते हो अपने सामने अपनी स्क्रीन पे हमारी लैम्बोर्गिनी की जो स्किन है गाइस, की तो भरमार लगने वाली है, बिल्कुल लाइन लगने वाली है, क्योंकि ये कोलैबोरेशन के बाद हमें उसकी स्किन तो ज़रूर देखने को मिलेगी। इससे थीम से रिलेटेड गाइस काफ़ी सारे आइटम हमें देखने को मिलने वाले हैं, तो वो आने वाले टाइम में पता चलता रहेगा धीरे धीरे करके। और इसके साथ एक कोलैबोरेशन और है जो कि ग्रेना के अंदर फ्री फायर के अंदर हमें देखने को मिलेगी, और वो होगी फ्री फायर और स्ट्रीट फाइटर गेम की कोलैबोरेशन। इसका बैनर भी आपने सामने अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था। इसमें गाइस आपको फिस्ट की स्किन वगैरह मिलेगी, बंडल मिलेंगे, ग्लू वॉल की स्किन और काफ़ी कुछ आपको इसकी थीम पे बेस देखने को मिलने वाला है। दोनों बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है, दोनों ही कोलैबोरेशन के टाइम पे आपको अच्छा खासा इवेंट नजर आने वाला है, और ये आने वाले टाइम के साथ क्लियर होता जाएगा कि क्या क्या आपको इनकी कोलैबोरेशन के अंदर देखने को मिलेगा। और एडवांस सर्वर के आते ही गाइस आपको ये जितनी भी एडवांस चीज़ें हैं ना, ये कपड़े वगैरह जितना कुछ भी है वो सब पता चल जाएगा। तो बस एडवांस सर्वर के आने का वेट है, जो हमारे डाटा माइनर से तुरंत काम पे लगेंगे और ऑलमोस्ट सब कुछ आपको यार निकाल के दे देंगे, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही हमें पता चलती रहेगी चीज़ें हम आपसे शेयर करते रहेंगे गाइस टाइम के साथ साथ। बात करें अगर हमारे आने वाले दोनों इनक्यूबेटर्स के बारे में, इसमें से एक है वेपन का इनक्यूबेटर, एक है बंडल का इनक्यूबेटर, तो दोनों ही कन्फर्म हो चुके हैं, लेकिन इसकी फोटो अगर अभी नहीं मिली है गाइस, तो नाम से तो
पता चल ही जाएगा यार, थोड़ा बहुत तो अंदाजा आप लगा ही सकते हो। तो नाम से मैं आपको बता देता हूँ कि दो नए इनक्यूबेटर हमारे कौन से होने वाले हैं। जो हमारे बंडल का इनक्यूबेटर, उसका नाम होने वाला है किल स्पार्क शिनोबी इनक्यूबेटर। और गाइज ये मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रीट फाइटर से थोड़ा बहुत ताल्लुक रखता है, कनेक्शन रखता है, और ये स्ट्रीट फाइटर की थीम पर बेस्ड भी हो सकता है। इसके नाम से लग रहा है शिनोबी यार जापनीज नाम है, तो इससे थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा है कि ये स्ट्रीट फाइटर जो हमारा गेम होने वाला है, इससे फ्री फायर को लैप करने वाला है, उससे थोड़ा बहुत कनेक्शन ज़रूर रख सकता है। किल स्पार्क शिनोबी नाम का एक हमें इनक्यूबेटर देखने को मिलने वाला है बंडल्स का। और जो हमारा दूसरा होने वाला है वो माइथोस या मिथोस गन्स नाम का एक बिल्कुल नया इनक्यूबेटर देखने को मिलेगा। इस इनक्यूबेटर में M60 की गन की चार स्किन हमें देखने को मिलने वाली है, जैसे कि हमेशा हर वेपन की गन की स्किन्स के साथ होता है। तो चार स्किन्स के गाइस नाम बता देता हूँ, नाम से अंदाजा लगा लेना। पहली वाली जो हमारी स्किन होगी गाइस, का नाम होने वाला है अजूर स्ट्रॉम ब्रिंगर। जो हमारी दूसरी स्किन होगी M60 की, उसका नाम होगा फ्रॉस्ट सैबर टूथ। थर्ड वाली का वोल्केनिक वर्ल्ड विंड, और फोर्थ का शैडो अर्थ शेकर। ये हमारी चार स्किन होने वाली है बिल्कुल लेजेंडरी, और ये हमारे आने वाले नए वेपन के इनक्यूबेटर के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसकी और डिटेल्स मिलते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह पता चलते ही मैं आपको जरूर बताऊंगा हमारे आने वाली नई वीडियोज में। लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं और बता देते हैं नई इवोल्यूशन गन के बारे में, जिसके बारे में यार काफी लोगों को खुजली मचती है। भले गन को इवॉल्व पूरा ना कर पाओ, मतलब लगभग यार 5 या 10% बंदे कर पाते हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं कर पाते, क्योंकि इवॉल्व करने के लिए यार आपको खूब सारे डायमंड लगते हैं। एटलीस्ट यार 7 से 10 हज़ार डायमंड तो लोगों को लग ही जाते हैं गन को इवॉल्व करने के लिए। तो ये यार थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, हर कोई ऐसा नहीं अफोर्ड कर सकता। इवन मैं भी यार इस पे पैसे बर्बाद नहीं करता हूँ। जब भी मुझे कहीं से भी डायमंड वगैरह मिलता है या कुछ ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ज़्यादा अंबानी वाली फीलिंग आई तो उड़ा देंगे किसी दिन, बट अभी नहीं यार। आने वाली है इस नई इवोल्यूशन गन की अगर बात करें तो XM8 की हमें एक बिल्कुल नई स्किन देखने को मिलने वाली है, और उसके साथ एक इमोट भी मिलेगा जिसका नाम होगा बॉर्न ऑफ लाइट। जहाँ तक बात है ईवो गन की यानी इवोल्यूशन गन की, इसका नाम होने वाला है डेस्टिनी गार्जियन XM8, और ये आने वाले टाइम में ही इसका डिज़ाइन वगैरह रिवील हो जाएगा। साथ में इसका जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हमें पता चल जाएंगे। इतना तो सबको पता है यार कि इनक्यूबेटर के टॉप की जो स्किन होती है, साथ में हमारी जो इवोल्यूशन वेपन्स होते हैं उनमें रेट ऑफ फायर और डैमेज ही होता है, और तो कुछ मैंने अभी तक देखा नहीं। अगर कुछ अलग चेंज ला देते हैं तो अलग बात है, वरना इसका रेट ऑफ फायर डबल होगा, डैमेज एक प्लस होगा, और कुछ ना कुछ माइनस कर देंगे। बस यही यार हर स्किन के साथ चलता आ रहा है, यही चलता रहेगा। बाकी आप बताना गाइस आपको आज की अपडेट कैसे लगी, और भी कई सारी चीज़ें हैं बताने के लिए तो वो मैं आगे आपको बताता रहूँगा। अगर डेली वीडियो चाहिए तो भाई यार इतने में ही खुश होना पड़ेगा, और इतने में क्या भाई, इतना तो कोई भी नहीं बताता। 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो लोग बना के छोड़ देते हैं एक टॉपिक के साथ, मैं आपको भाई 10-12 मिनट की वीडियो में इतने सारी चीज़ें बता देता हूँ, तो भाई बहुत है आई थिंक आपके लिए। और इतना एकदम से कोई डोज दे दूंगा ना हैवी सा तो भाई सह नहीं पाओगे, तो थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ, वही बहुत है भाई। आज के लिए बस इतना ही गाइस, सब्सक्राइब कर देना हमारे इस चैनल को अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो लाइक मार देना इस वीडियो को, 15,000 लाइक्स का टारगेट है, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। और हाँ शेयर कर देना अगर आप चैनल पर रेगुलर रहते हो तो, मतलब कि यार इतना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही बनती है। बाकी जिनको अच्छा लगे वो ज़रूर करना शेयर, और जो हमारे बेटे YT उनकी वीडियो देख लेना। जिनका भी गेम प्ले का चैनल है, बनाना चाह भी रहे हो, अगर आपको यार अच्छा खासा गेम आता है, आपको फुल मैप गेम प्ले अपना पोस्ट करना पड़ेगा, कैसे पोस्ट करना है, क्या क्या करना है, कैसे टैग करना है हमें और बेटू को, वो आपको पता चल जाएगा बेटू की वीडियो देखने के बाद, जो कि डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जा सकते हो। इसके लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।